रहा और आपने उनको जन्म दिया, आप एक माँ के रूप में क्या कहना चाहेंगे, उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे, बचपन से वो कैसे रहे और अभी कहाँ हैं? भैया स्कूल में पढ़ा 5वीं, और 5वीं पास करके वो फुलकुरी लोयला में गए। लोयला में पढ़ कर उसका मामा थे, वो ले गए अंबिकापुर पढ़ाने के लिए कॉलेज। तो इधर देखने देखभाल करने वाले कोई नहीं थे घर में, इसीलिए हम लोग छोड़ा रही बाबू। और यहाँ घर संभालता था, उसके बाद पंच बना, सरपंच बना, 2 बार ये विधायक बना, और 3 बार प्रदेश अध्यक्ष, और 4 बार सांसद बना, 1 बार मंत्री, और अभी फिर बनने जा रहा है। अभी लेकिन तो फाइनल भी नहीं हुआ आपको है। लगता है छत्तीसगढ़ की सेवा करेंगे? चाहिए हाँ जी करेगा, उसका स्वभाव स्वभाव वैसे ही है, उसका व्यवहार अच्छा है। गुस्साते नहीं? नहीं गुस्साते हैं वो, थोड़ा मोड़ा तो होता है ना। घर में उनको किस नाम से पुकारा? हम लोग तो विष्णु देव साय करके पुकारते हैं, बेटा बोल के, बाबू 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 गांव में तो बाबू बेटा ऐसे ही पुकारते हैं खेती किसानी भी करते हैं? जी। करता था खेती किसानी की, अभी भी करते हैं, खेत तरफ जाते हैं घूमने, देखते हैं, दिखता तकता सब कुछ करता है, सबका ख्याल रखता है। राजनीतिक उतार चढ़ाव भी बहुत देखे विष्णु साय जी, बीच में जब प्रदेश अध्यक्ष थे फिर उनको हटा दिया गया था, तो बीच में फिर खाली समय में क्या करते थे? वही खेती बाड़ी देख रेख सबका करता था। आप माँ के रूप में हमेशा साथ में रहे हैं, तो कभी उनको धीरज खोते देखे? कभी नहीं सम्मान करता है, क्या लगता है आपको कि अभी सीएम बनने जा रहे हैं, तो किस तरह से आप का बेटा सेवा करेंगे छत्तीसगढ़ महतारी का, क्या क्या कहना चाहेंगे आप? अब क्या लगता है? मैं तो चाहती हूँ कि देश का सेवा करे, जनता का सेवा करे, धर्म का भी करे, सबको एक समान करे, सबका दुख सुख सबको सुने, सबका सहायता करे। एक मुख्यमंत्री बहुत बड़ा पद होता है, तो आप एक माँ के रूप में अपने बेटे को क्या मुख्यमंत्री के योग्य पाते हैं? मुख्यमंत्री के रूप में पाएंगे, बनेगा तो देखिए, बचपन तो उतना मतलब क्या बोलेंगे, 10 साल तक तो ठीक है, पापा जिंदा थे तब तक तो ठीक है, उसके बाद में जैसे तैसे करके प्राइमरी करने के बाद में जो भी उनकी शिक्षा थी, कॉलेज पूरा नहीं हो पाई और उनको मजबूरी बस घर की जिम्मेदारी संभालने और भाइयों की जिम्मेदारी संभालने और सब चीज़ खेती बाड़ी और सबको संभालने के लिए उनको पढ़ाई छोड़ना पड़ा, और वो पढ़ाई छोड़ने के बाद में राजनीति में आए, पहला पंच बने, उसके बाद में निर्विरोध सरपंच बने 6 महीना के लिए, उसके बाद 2 बार विधायक, अभी तीसरी बार विधायक हैं, 4 बार सांसद रहे और 3 बार प्रदेश अध्यक्ष, 1 बार मतलब मंत्री थे सेंट्रल में मोदी और उनके फर्स्ट शासनकाल में। इस बार पुनः वो विधायक बनकर आए, हाँ, हमारा कुलपुरी विधानसभा ये तो सीएम बहुत बनकर हम लोगों की बहुत खुशनसीब है, और क्या बोलेंगे, हम पूरा जनता उनको चाह रहा है कि वही सीएम बने, रेस में पहले नंबर पे हैं, सुन रहे हैं और सबका आशीर्वाद उनके साथ है और वही बनेंगे सीएम। हमारे जेठ जी हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ का विकास के लिए मुख्यमंत्री के रेस में हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ का विकास होगा, वो ये बहुत अच्छे से करेंगे। 2 घंटे बचे हैं अभी नाम आने के लिए, अनाउंसमेंट होने के लिए विधायक दल की बैठक। नाम अलाउंस हो जाएगा तो हमें बहुत खुशी होगी कि हमारे छत्तीसगढ़ का विकास होगा, और हमारे ग्रामवासियों का सबका आशीर्वाद मिला है, खुश खुश हैं वो आप? सब खुश हैं।